दोस्तों, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इसी प्रश्न को एक व्यक्ति ने जब महात्मा से पूछा, तब महात्मा ने क्या उत्तर दिया, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महात्मा बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिनकी दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी। उनकी ज्ञान की गहराई और जीवन के रहस्यों पर उनकी समझ ने कई लोगों को प्रभावित किया था। उनके आश्रम में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक राम गोपाल नाम का युवा शिष्य उनकी शिक्षा में सबसे आगे था। राम गोपाल का मन हमेशा ज्ञान की खोज में रहता और अक्सर वह गुरुजी से जीवन के गहरे सवाल पूछता। एक दिन राम गोपाल ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है? मैंने तो देखा है कि कई लोग गलत काम करके भी सुखी रहते हैं, जबकि कई इंसान दुख में जीते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बुरे कर्मों का फल उसे ना मिले? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा राम गोपाल, इस प्रश्न का उत्तर केवल सुनकर नहीं, अनुभव से मिलेगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूँगा, जहाँ तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम गोपाल गुरुजी के साथ यात्रा पर निकलने के लिए उत्सुक हो गया। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा में रहस्य और आश्चर्य के अनेक अनुभव होंगे। गुरुजी और राम गोपाल ने पहले पड़ाव पर एक गांव का रुख किया। वहां एक बड़े घर में एक सेठ रहता था, जो अपने वैभव और ऐश्वर्य के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसके इस धन का कारण उसका मेहनत से कमाया गया पैसा नहीं था, बल्कि धोखाधड़ी और ठगी थी। सेठ ने गांव के गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। उसकी चालाकियों के कारण कई गरीब किसान बर्बाद हो गए थे, और अब भी वह अपने ऐसो आराम से मस्त था। गुरुजी ने राम गोपाल से कहा, देखो बेटा, यह सेठ लोगों का हक मारकर ऐसो आराम से जी रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा? राम गोपाल ने सोचा, सेठ बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी उसे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य मिला, क्या गुरुजी यह दिखाना चाहते हैं कि बुरे कर्मों का फल कभी नहीं मिलता? गुरुजी ने राम गोपाल की सोच को समझते हुए कहा, अभी धैर्य रखो, इसे देखकर ही निष्कर्ष पर ना पहुँचो, आगे चलो, हमारे पास और भी बहुत कुछ देखने को है। अगले पड़ाव में गुरुजी और राम गोपाल एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को देखा, जो एक साधारण झोपड़ी में रहता था। वह भोले दिल का इंसान था, दूसरों की मदद करता रहता और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने और अपने परिवार का सही ढंग से पेट भर सके। गुरुजी ने उससे पूछा, पंडित जी, आपने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, क्या आपको कभी लगता है कि जीवन ने आपके साथ अन्याय किया है? ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैंने सदैव सही मार्ग का अनुसरण किया, किसी को कभी नहीं ठगा, पर फिर भी मेरा जीवन अभावों से भरा है। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद ईश्वर ने मेरे कर्मों का फल देना उचित नहीं समझा। राम गोपाल यह सुनकर उलझ गया। उसने सोचा, ब्राह्मण तो सदैव सच्चाई के रास्ते पर चला, लेकिन फिर भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता? गुरुजी ने कहा, अभी धैर्य रखो, हम आगे चलते हैं, यात्रा का अंतिम पड़ाव बाकी है। गुरुजी और राम गोपाल ने जंगल का रास्ता लिया। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्से में जा रहे थे, वहाँ का वातावरण और रहस्यमय होता जा रहा था। अचानक से एक शेर की डरावनी दहाड़ सुनाई दी। राम गोपाल भयभीत हो गया और पीछे हटने लगा। गुरुजी ने उसे शांत करते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, यह भी हमारे अनुभव का एक हिस्सा है। उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर छुपने का फैसला किया। दोनों एक घनी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। शेर उनके पास से गुजर गया, लेकिन उसने उन्हें देखा नहीं। इस अनुभव से राम गोपाल को राहत मिली, लेकिन उसके मन में सवाल बना रहा। गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, यहाँ भी तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिला। तुमने सतर्कता और सावधानी से छुपने का निर्णय लिया, और इसी के कारण तुम सुरक्षित रहे। अंत में गुरुजी राम गोपाल को एक वीरान मंदिर में ले आए, जहाँ एक साधु ध्यान में लीन था।
और उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक अजीब सा रहस्य था। गुरु जी ने उस साधु से कहा, हे साधु महाराज, यह युवक अपने कर्मों के फल को लेकर सवालों में उलझा हुआ है, कृपया इसे इसका उत्तर दीजिए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और राम गोपाल की ओर देखा। साधु ने कहा, पुत्र, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर से, किसी को इस जन्म में मिलता है तो किसी को अगले जन्म में, यह प्रकृति का अटल नियम है। राम गोपाल ने संदेह के साथ पूछा, परंतु मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो गलत कर्म करते हैं फिर भी सुखी रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपने कर्मों का फल ना भोगें? साधु ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो न्याय प्रिय था। उसने अनजाने में एक निर्दोष की हत्या कर दी। राजा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसे अगले जन्म में किसान बनना पड़ा, जो कड़ी मेहनत के बावजूद जीवन में संघर्ष करता रहा। साधु ने कहा, हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है, समय पर उसके अनुसार फल अवश्य मिलता है। गुरुजी और राम गोपाल अपने गांव लौटते समय उन्होंने सुना कि उसी सेठ के यहाँ अनहोनी हो गई। उसने जिन गरीब किसान से उनकी ज़मीनें छीनी थी, वे अब संगठित होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। न्यायालय के आदेश पर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उसे गरीबी में जीना पड़ रहा था। सेठ अब अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा था। गुरुजी ने राम गोपाल की ओर देखा और कहा, बेटा, देखा, यह प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राम गोपाल का मन अब शांत हो चुका था। वह समझ गया था कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। उसने गुरुजी के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुवर, अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। मैं अब सदा अच्छे कर्म करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना बेटा, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। महात्मा की कही हुई बात राम गोपाल को अच्छे से समझ में आ गई। इस प्रकार राम गोपाल ने जीवन की सबसे बड़ी सीख हासिल की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।